मैं अपने खेत की मिट्टी में सोना उगाता हूं, भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाता हूं। वो है कौन लोग जो बंद कमरों में बैठकर नीति बनाते हैं, मैं किसान होकर अपने भाग्य पर पछताता हूं। यह आज एक देश के अन्नदाता की आवाज है। हमारे देश का अन्नदाता फसल उगाता है, नाना प्रकार की परेशानियां झेलता है, और जब वो अपनी उपज को मंडी में लेकर जाता है या अपनी उपज को रोड पर लेकर आता है तो मालूम होता है कि उसको भाव नहीं मिलता। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 के चुनाव में कहा था, मेरे देश का किसान, उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, मेरे देश का किसान फसल बोता है, बीज लाता है, खाद लाता है, बिजली लाता है और नाना प्रकार की परेशानियां झेलता है, लेकिन जब उसकी उपज रोड पर आती है तो सही दाम नहीं मिलता। उनके 31 नंबर मैनिफेस्टो पेज पर लिखा है कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं लागत को उपज में बोनस के रूप में दूंगा। आज न किसान को बोनस मिल रहा है, आज न किसान को उसकी फसल को उचित दाम मिल रहा है। पंजाब हरियाणा का किसान झोतक है इस बात का, वो बता रहा है कि हमें मोदी जी MSP दीजिए, हमें हमारी फसल का उचित दाम दीजिए, लेकिन हमारे देश की सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। हमारे देश की सरकार किसान पर एक ऐसा बिल लेके आ रही है जो किसान को उसकी जमीन से अलग करने पर आमादा है। पूरे देश के किसानों का आपसे अनुरोध है, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने एयरपोर्ट्स भेज दीजिए, आपने लाल किला गिरवी रख दिया, आप देश की विभिन्न संस्थाओं को गिरवी रख रहे हो, लेकिन किसान को उसकी जमीन से अलग मत कीजिए। ये देश का अन्नदाता है, ये इस देश की अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। अगर देश का अन्नदाता रोएगा तो ये पूरा देश रोएगा। अभी तक हम लोग विकास के सोपानों पर बढ़ते जा रहे हैं तो उसकी नींव किसान है। आज आपने जिस तरीके से मंडियों पर हमला किया है, आपने आज जिस तरीके से देश के अंदर किसान को छलने का प्रयास किया है, ये गलत नीति है। आज एक किसान, उसकी अगर कोई उसके साथ चीटिंग होती है, ऐसी स्थिति में उसके निर्णय के लिए वो न्यायालय नहीं जा सकता। ये कैसा आपका निर्णय है? आज किसान छला जा रहा है, यदि वो अपनी उपज को लेकर बाहर जाता है तो कह दिया कोई भी पैन कार्ड धारक उससे फसल ले सकता है। अरे मंडी रहती है तो कम से कम मंडी के में तुलाई होती है, कंपटीशन होता है और उसके बाद एक सिक्योरिटी होती है, आपने वो खत्म कर दी है। मोदी जी, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को खत्म कीजिए। नील की खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी, चंपारण सत्याग्रह हुआ, इस देश ने देखा है, इस देश के इतिहास से सीखिए। इतिहास हमें सबक देता है भविष्य के निर्माण की, लेकिन आप उसकी ओर से विमुख होते जा रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, इस पूरे देश के अन्नदाताओं का आपसे अनुरोध है, किसान का आपसे अनुरोध है कि आप किसान की फसल का उचित निर्धारण कीजिए, किसान को उसकी उपज का उचित दाम दीजिए, तब कहीं जाकर देश समृद्ध होगा, किसान समृद्ध होगा। भंडारण की नीति को और प्राइवेटाइजेशन की नीति को खत्म कीजिए। ये देश आपकी ओर देख रहा है क्योंकि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं, तो अपने सेवक की भूमिका का अदा कीजिए। आप रक्षक की भूमिका में आइए, भक्षक की भूमिका से बाहर जाइए। आपसे यह अनुरोध है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।